क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? प्लीज आइए। राकुल सर, राकुल सर, प्लीज राकुल सर। सो डॉक्टर मयंक गुप्ता, सो आप क्या अपने आप को डॉक्टर कहलाना पसंद नहीं करना चाहते? सर डॉक्टर तो मैं बिल्कुल हूँ और रहूँगा ही, पर मेरा लक्ष्य थोड़ा बड़ा है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी तरफ से समाज को अपना 100% दूँ और विभिन्न क्षेत्रों में काम करूँ और समाज पर जो मूल समस्याएं हैं उन पर कार्य करूँ। अच्छा, मैं देख रहा था कि आपने MBBS कंप्लीट करने के बाद आप जूनियर रेजिडेंट के तौर पर दो दो हॉस्पिटल में न्यू दिल्ली में काम किया, तो ये दो जगह क्यों किया और उसके बाद आपने छोड़ दिया और शायद प्रिपरेशन के तौर पर आपने छोड़ा होगा, तो क्या आप दोनों साथ लेकर नहीं चल पा रहे थे प्रिपरेशन और अपनी डॉक्टरशिप को? सर डॉक्टर का काम अपने आप में एक बहुत ही चैलेंजिंग जॉब होती है, तो 10 घंटे रोज मुझे ड्यूटी जाना होता था, तो कहीं पर प्रिपरेशन सफर कर रही थी, तो मुझे लगा कि एक बार मैं पूर्ण रूप से सिविल सेवा की तैयारी कर रहा हूँ तो इसमें अपना महत्वपूर्ण देता हूँ, उसके बाद में। अच्छा, अगर हम इस कुछ 4-5 दिन पहले की न्यूज़ को देखें, बहुत सारी घटनाएं प्रघटनाएं हुई हैं विश्व और भारत लेवल पर, और खासकर जो 14 फरवरी की घटना हुई जो हमारे CRPF जवानों पर अटैक हुआ, उसके बाद एक पूरा राष्ट्र जो है आगोश आक्रोश की स्थिति में है और वो कुछ मेजर एक्शन की डिमांड कर रहा है। आप एक पढ़े लिखे विद्यार्थी और एस्पिरेंट हैं सिविल सर्विसेज के, उसमें आप देखिए भारत ने पहला निर्णय लिया MFN का दर्जा छीन लिया। आपको नहीं लगता एक सिंबॉलिक दर्जा है और केवल शायद एक प्रतीकात्मक रूप से दिखावा करे जाने की कोशिश है, क्योंकि इसका रियल इम्पैक्ट शायद पाकिस्तान पर कोई बहुत ज्यादा नहीं पड़े? सर हमारा वर्तमान में पाकिस्तान के साथ अगर हम ट्रेड देखें तो बहुत ही कम है, लगभग $2.5 बिलियन का ही ट्रेड है, पर MFN का दर्जा जो वास्तव में मोस्ट फेवर्ड नेशन कहा जाता है, जो भारत ने एक तरफा पाकिस्तान को दिया गया था, तो इसे सिम्बॉलिक रूप से वापस लेना भी एक बहुत ही बड़ी बात है, जो पूरे विश्व को यह बताता है कि पाकिस्तान को हम बिल्कुल शब्दों के रूप से भी मोस्ट फेवर्ड नेशन नहीं कहना चाहते, क्योंकि वो आतंकवाद का समर्थन कर रहा है। अच्छा, ऐसी क्या बात है, कल विदेश सचिव, आप जानते हैं पाकिस्तान का विदेश सचिव या विदेश मंत्री कौन? दोनों अलग अलग नाम मैं अभी याद नहीं कर पा रहा। कल वहां के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत ने बहुत बड़ा आरोप पाकिस्तान पर लगा दिया है और वहां मैं जनता का आक्रोश भी देख रहा हूँ मीडिया के थ्रू, पर बिना किसी इंफॉर्मेशन, बिना किसी तहकीकात के, और उन्होंने खुले चैलेंज किया है कि अगर आपके पास है प्रूफ तो हमें सबूत दीजिए, हमें एविडेंस दीजिए, हम खुद कार्रवाई करेंगे, और पूरे उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर इसको प्रचारित करने की कोशिश की है, और हम फिर हालात ऐसे हैं, हम जान रहे हैं वहां, लेकिन फिर भी हम सबूत शायद नहीं दे पाते। 70 साल तक लगभग, और 90 के डेकेड से जब टेररिज्म शुरू हुआ इस रूप में, तब से देखिए हम प्रूफ मांगता है, हम प्रूफ नहीं दे पाते, तो कमी कहाँ है? नहीं सर, ऐसा नहीं है कि हम प्रूफ नहीं दे पाते, हम बिल्कुल आतंकवाद के सारा जो भी मुंबई हमले हुए उसमें हमने पाकिस्तान के सामने काफी सबूत पेश किए, इंटरनेशनल कम्युनिटी के काफी सबूत पेश किए, पर पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है कि वो आतंकवादियों को पनाह दे रहा है, और इवन वहां पर जो चुनाव हुए उसमें भी आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए लोग अपनी एक पार्टी बना रहे थे और उसकी भी अनुमति पाकिस्तान सरकार ने दे रही थी, पर एज अ कंट्री वो हमेशा एक डिनायल मोड में रहता है कि हम आतंकवाद को समर्थन नहीं कर रहे हैं। आपको नहीं लगता हम जब आइडियलिस्टिक होकर बात करते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं, इस सरकार की डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल जो पॉलिसी रही है बड़ी शानदार रही है, हमारा वर्ल्ड मैप में जो प्रेजेंस है वो बड़ा पॉजिटिव हुआ है, लेकिन अगर हालात देखें तो लगभग 5 सालों में वही है। आप पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर अलग नहीं कर पाए, आप देखिए पिछले जितने भी इश्यूज हैं जो भी पाकिस्तान के साथ आए, चाहे इंडस ट्रिटी हो, हमारी मांग थी हम इंडस ट्रिटी रद्द कर दें, पानी रोक दें, जनता, आम जनता कहती है, पर जब उस लेवल पे जाते हैं तो देखते हैं कि सरकारें ऐसा नहीं कर पाती, तो प्रॉब्लम कहाँ है? अगर हम इंडस ट्रिटी पर अगर कंट्रोल करते, इंडस ट्रिटी को रोकते, तो तुम्हें नहीं लगता ये ज़्यादा इम्पैक्ट था और खासकर लोगों को, जो आम जनता है उसको थोड़ा सा संवेदना भी ज़्यादा मिलती, वो ज़्यादा जो है इससे खुश होता? जब भी कोई बड़ी घटना घटती है तो आम जन में हमेशा एक आक्रोश की भावना रहती है, पर वो आक्रोश वास्तव में अगर हम रियल टर्म में देखें तो जो मांग की जाती है उसका इम्पैक्ट मल्टीपल फ्रंट्स पर रहता है। जहाँ तक इंडस वाटर ट्रीटी की बात है, अगर हम पाकिस्तान का पानी रोक देते तो हमारा भी चाइना से ब्रह्मपुत्र नदी आती है,
और यहाँ से बांग्लादेश में तीस्ता नदी जाती है और गंगा जाती है, तो आपसी जो वैश्विक स्तर पर संबंध है वो कमजोर होते हैं। आपसी आज हम अगर पाकिस्तान का पानी रोक देते वो एक तरह से वियना कन्वेंशन के भी अगेंस्ट होता, और प्लस कल को चाइना भी ब्रह्मपुत्र का पानी रोकने के लिए तर्क दे सकता था। अच्छा, अभी हमने देखा आपने प्रिजम्प्टिव स्ट्राइक का नाम सुनाया क्या? अमेरिका एक समय खासकर 90 के डेकेड में शब्द का बड़ा इस्तेमाल करता था, और गल्फ वार आपने सुना होगा, गल्फ वार 1, प्रिजम्प्टिव स्ट्राइक के नाम पे उसने बहुत ज्यादा जगहों पर हमले किए एशिया में, अगर हम देखें इराक अफगानिस्तान। इसी तरह जब भी उसको ऐसा लगता है कि उसको खतरा है या अपनी सुप्रीमेसी घोषित करना चाहता है, प्रिजम्प्टिव स्ट्राइक के नाम पर ऐसी कार्रवाई करता है। अमेरिका एक छोटा सा देश, एक श्रीलंका जो आपका पड़ोसी देश है, उसने भी उसके यहाँ आतंकवाद था, लिट्टे उसको पता था, एरिया पता था, उसने पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी, इंटरनेशनल कम्युनिटी की परवाह ना करके पहले उस टेररिज्म को खत्म कर दिया। आज 2019 आते आते अब श्रीलंका उससे आगे बढ़ गया है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन उन सब चीजों से आगे बढ़ गया है, शांति। हम ऐसा, हमें भी पता है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, हमें भी पता है टेररिस्ट बेस कहाँ है, हम फिर भी क्यों तब तक सॉफ्ट पावर और इस तरह की बातें करते हैं, हम इस तरह के एक्शन क्यों नहीं लेते? सर, ऑफेंसिव एक्शंस का एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो आम सिविलियन पॉपुलेशन है उनको भारी नुकसान होता है। श्रीलंका में भी हमने देखा कि कितना ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ। अमेरिका जब भी कार्रवाई करता है तो बड़ी संख्या में बेगुनाह मारे जाते हैं। तो भारत हमेशा एक शांतिपूर्वक देश रहा है, तो हम चाहते हैं कि मिनिमम आम जनता को नुकसान पहुँचे ही हम कार्रवाई करें। इसीलिए जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी उसने सिर्फ चुनिंदा ठिकानों को हमने ध्वस्त किया था। तो इस तरह के एक्शन जो कोवर्ट एक्शन हैं वो भारत लेना पसंद करता है। अच्छा, आपने भी बात की ह्यूमन राइट्स की, हम कई बार राइट्स की बात करते हैं तो कई तरह के शब्द आते हैं, कभी हमने नेचुरल राइट कहते हैं, कभी हम ह्यूमन राइट कहते हैं, कभी कभी हम फंडामेंटल राइट सुनते हैं, इन तीनों में क्या संबंध या अंतर है? सर, फंडामेंटल राइट्स तो जो संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है, वो जो भारत के संदर्भ में बात करें तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स हैं। ह्यूमन राइट्स हैं जो हर व्यक्ति को उसके व्यक्ति होने के संबंध में प्राप्त है, वो किसी चीज़ से डराइव नहीं है, वो सिर्फ अगर वो व्यक्ति है तो उसे प्राप्त है। जैसे राइट टू इक्वालिटी भी उसके अंदर आता है, राइट अगेंस्ट टॉर्चर उसके अंदर आता है, और तीसरा जो नेचुरल राइट्स हैं, इसके बारे में मुझे अधिक जानकारी नहीं। अच्छा, अगर तीनों में हम एक संबंध मैथमेटिकल अगर वेन डायग्राम खींचना चाहें तो सुपरसेट कौन सा है, सबसे बड़ा व्यापक परिकल्पना किस राइट की होगी? ह्यूमन राइट्स की सबसे बड़ा मयंक, मयंक आपने सोशल मेडिसिन के बारे में किया है, सोशल मेडिसिन क्या होती है और आज के समय में ये कैसे ज़्यादा उपयोगी हो सकती है, विशेष करके जिस तरह की लाइफ स्टाइल रिलेटेड जो डिजीज हैं उसको क्योर करने में? सर, सोशल मेडिसिन की बात करें तो समाज की गतिविधियों का जो बीमारियों का प्रभाव है उसे सोशल मेडिसिन कहा जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि कई प्रकार की प्रैक्टिसेस पहले से चली आ रही हैं, वो आम हेल्थ के लिए नुकसानदेह होती हैं। जैसे बचपन में जब माता बच्चे को दूध पिलाना शुरू करती है तो पहला दूध निकाल दिया जाता है किसी स्थान पर, जबकि उसके अंदर बहुत ही पोषण होता है। इसी प्रकार से कॉर्ड पर गोबर लगाने की परंपरा कहीं रहती है। तो ये सामाजिक कारक सीधे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। लाइफ स्टाइल डिजीजेज में भी ऐसा है कि पहले खान पान पर बहुत जोर दिया जाता था कि घी खाना है, घी को अच्छा गुणकारी माना जाता था, पर उस वक्त की लाइफ स्टाइल में शारीरिक श्रम बहुत ज़्यादा किया जाता था तो उसका फायदा था। पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये चीज़ें आजकल कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ और जो हार्ट से संबंधित समस्याएं हैं उसके रूप में प्रकट हो रही हैं, ओबेसिटी देखने को मिल रही है, तो इन कारकों को जानकर हमें उस हिसाब से निवारण उनका करना होगा, इसीलिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हाँ, आपका जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो IS का है, और चूँकि आप एक डॉक्टर भी हैं तो चिकित्सा के क्षेत्र में अगर सुधार करने हो तो क्या क्या 5 बड़े सुधार आप करना चाहेंगे? चिकित्सा के क्षेत्र में जो वर्तमान सरकार की नीति है, आयुष्मान भारत नाम का कार्यक्रम आया है, उसमें भारत की जो समस्याएं हैं उसके लगभग सभी एस्पेक्ट्स को हम डील कर रहे हैं। रोगों के क्षेत्र में कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल की ड्यूअल बर्डन प्लस अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन दोनों की समस्याएं हैं, इनको हम देख रहे हैं। फिर मेंटल हेल्थ पर ध्यान देने की जरूरत है। फिर एक भारत की बड़ी पॉपुलेशन एज कर रही है, तो वरिष्ठ नागरिकों
की सेहत का ध्यान रखा जाता है। साथ में अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें तो उसके अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों में ही अभी कमी है, तो इन इन दोनों को हम बढ़ाना चाहेंगे। साथ में प्रिवेंटिव मेडिसिन जो एस्पेक्ट है उस पर खर्चा और उसकी रीच और लोगों के अंदर अवेयरनेस, इन सब का बढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगर हम प्रिवेंशन ही कर देंगे तो ट्रीटमेंट पर हमारा खर्चा लगभग 10 गुना कम हो जाएगा। आप मान लीजिए किसी जिले के कलेक्टर हैं और आप ये सारी जो आपने सजेशन किए इसको ले करके आप अपने हॉस्पिटल में डिस्ट्रिक्ट के जो है उसको लागू करना चाहते हैं, लेकिन आपके जो डॉक्टर्स हैं हॉस्पिटल्स के वो आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपने उनको समझाया भी, थोड़ा सा प्रेशर डाला तो उन्होंने आपके ऊपर तानाशाही का आरोप लगा करके स्ट्राइक कर दी सारे डॉक्टरों ने, ऐसी स्थिति में आप इस समस्या को टैकल कैसे करेंगे? सर, सबसे पहले अगर कोई स्ट्राइक हुई तो सबसे पहला कदम ये होगा कि उस स्ट्राइक को कैसे भी करके ख़त्म किया जाए, क्योंकि सीधे उस वक्त वो मरीजों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है। तो जो भी डॉक्टर्स में जो भी लीडर्स हैं जो कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं उन्हें हम बुलाएंगे, उनके साथ डिस्कशन करेंगे, जो वहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उन्हें भी साथ लिया जाएगा और जो डॉक्टरों का संगठन है उसके पदाधिकारी को भी लिया जाएगा। सबसे पहले मरीजों को तकलीफ ना हो उसके लिए उन्हें कि आपकी मांगों पर बिल्कुल सरकार उसको आपकी मांगों को लेकर सीरियस है और हम बिल्कुल इन पर कार्य करेंगे, ऐसा उनसे कहा कह के स्ट्राइक तोड़ने की बात कही जाएगी। फिर जो भी उनकी मांगे हैं उनमें से जो जेन्युइन मांगे हैं उनकी कोई मांगे नहीं, वो आपके ऊपर तानाशाही का आरोप लगा रहे हैं कि आप जो है हम लोगों को बहुत जो है प्रेशर डाल रहे हैं, आप हमारे काम में बाधा डाल रहे हैं, इस वजह से हम लोग स्ट्राइक पर, उनकी कोई मांगे नहीं है तो आपके ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं कि आप जो है तानाशाही डिक्टेटर का बिहेव कर रहे हैं। तानाशाही किन पैमानों पर वो कह रहे हैं उस क्वेश्चंस के संबंध में उनसे बात की जाएगी कि हाँ पब्लिक हेल्थ की नीड ऐसी है कि लोगों को जरूरत है, उस हिसाब से जो सरकार के जो लॉ जो कहता है उस हिसाब से कानून राज्य सरकार द्वारा अप्लाई किया जा रहा है। तो बिल्कुल ये उनकी भी एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है और ये समाज की जरूरत भी है। एक डॉक्टर होने से पहले वो एक नागरिक भी हैं और डॉक्टर की एथिक्स भी ये कहती है कि सबसे पहले स्वयं के फायदे को ना देखकर मरीज का फायदा देखा जाए। आप एक डॉक्टर हैं जी सर, कहीं पर भी नहीं कहा गया कि जो एक आदमी ग्रेजुएट होगा उसको डॉक्टर कहा जाएगा, इवन की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करती है, वो कहती है कि जब आप पीएचडी कर लेंगे पीएचडी के इक्विवेलेंट डिग्री रखेंगे तभी आप डॉक्टर कहे जाएंगे। माफी चाहूंगा सर, यहाँ पर मेरे विचार थोड़े भिन्न हैं आपसे। हाँ बिल्कुल, एक जो भी एमबीबीएस ग्रेजुएट होता है या फिर आयुर्वेदिक ग्रेजुएट है होम्योपैथिक ग्रेजुएट है सभी को अनुमति है कि उनके आगे डॉक्टर लगे। चलिए, अभी आपने मेंटल हेल्थ की बात की थी, अभी मेंटल हेल्थ एक्ट आया हुआ है 2017, इसके बेसिक फीचर्स क्या है? सर, मेंटल हेल्थ एक्ट में सबसे पहले हमने जो मेंटल हेल्थ संबंधी बीमारियां हैं उनका एम्बिट हमने बढ़ाया है, उसके बाद हमने मेंटल हेल्थ को एज अ राइट दिया है, फिर जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड पेशेंट हैं उनके ट्रीटमेंट के संबंध में कई सेफगार्ड हमने जारी किए हैं कि जब भी कोई ट्रीटमेंट जिसे मरीज को मानसिक चिकित्सा की आवश्यकता है उसके लिए एक बोर्ड बनेगा, उसे मानसिक चिकित्सालय में एक सीमित समय के लिए ही 90 दिनों तक ही रखा जा सकता है, उसके बाद हम सोसाइटी के थ्रू मेंटल हेल्थ को जल्दी से जल्दी उसे सोसाइटी में इंटीग्रेट करके और सामाजिक तरीके से जो मानसिक हेल्थ की समस्याएं हैं उनका निस्तारण किया जाए। साथ ही मेडिकल क्षेत्र में मेंटल हेल्थ में अभी हमारे यहाँ साइकेट्रिस्ट की संख्या बहुत कम है तो उनको बढ़ाने के लिए कार्य किया जा रहा है। एक व्यक्ति सुसाइड करने जा रहा था तो अगर उसको बचा लिया गया, वो बच गया, तो उसके बाद से इस मेंटल हेल्थ एक्ट में क्या प्रोविजन है? सर, सुसाइड को इसके अंदर डिक्रिमिनलाइज किया गया है, अभी तक जो व्यक्ति सुसाइड करने जा रहा था तो उसे क्रिमिनल एक्ट माना जाता था, तो अब उसे क्रिमिनल एक्ट नहीं माना जाता, उसे एक मानसिक रोगी की तरह देखा जाता है, उसे उसकी काउंसलिंग की जाती है और किन कारणों से वो इस चीज़ के लिए इस स्टेप के लिए मजबूर हुआ उनके निस्तारण पर ध्यान दिया जाता है। अब मैं आपने बात की माल न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन की, मैं आपसे जानना चाहता हूँ बैलेंस न्यूट्रिशन क्या होता है? सर, बैलेंस न्यूट्रिशन वह है जिसमें हमारे शरीर की प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट विटामिन मिनरल्स ये सारे जो कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं इनकी डिमांड पूरी हो, तो इसके अंदर हमारे सीरियल्स भी आते हैं फ्रूट्स भी आते हैं। क्या परसेंटेज होना चाहिए, कंपोजिशन क्या होना चाहिए फैट का, प्रोटीन का या कार्ब्स का या जो आपके माइक्रोज हैं विटामिन हो गया मिनरल हो गया इनका क्या कंपोजिशन होना चाहिए? माइक्रोज की बात करें बेसिकली सर,
माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तो बहुत ही मैक्रोस मैक्रोस की बात करें, फैट प्रोटीन या कार्ब्स की बात करें, क्या कंपोजिशन होना चाहिए बैलेंस में? सर सही प्रतिशत मैं सबका याद नहीं कर पा रहा हूँ, पर अंदाजे से मैं बता सकता हूँ कि लगभग 30% फैट का पोर्शन होना चाहिए एनर्जी की दृष्टि से हम देखें कि किस पोर्शन से कितनी ऊर्जा शरीर ले रहा है, तो 30% फैट से लेना चाहिए, लगभग 40% कार्बोहाइड्रेट से लेना चाहिए और बचा हुआ हमें प्रोटीन के मामले 60% प्रोटीन होना चाहिए। आर यू श्योर? नहीं सर, 40% कार्बोहाइड्रेट 30% प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, कार्ब्स है प्रोटीन है या फैट है? कार्ब्स प्राइमरी सोर्स है। कार्ब्स है तो डेफिनेटली कार्ब्स ज़्यादा होना चाहिए। जी सर 60% कार्ब्स होना चाहिए, प्रोटीन तो प्राइमरी सोर्स है नहीं आपका। बिल्कुल मैं यहाँ गलत हो सकता हूँ। नहीं, आप मेडिकल साइंस का बैकग्राउंड है इसलिए जस्ट पूछ रहा हूँ। माफ़ी चाहता हूँ सर। नहीं कोई इशू नहीं है। आप जॉगिंग भी करते हैं? जी सर। अगर आपने मान लीजिए आधा घंटा जॉगिंग किया तो कितनी कैलोरी आप बर्न करते हैं, कुछ आइडिया है आपको? हाँ सर बिल्कुल, लगभग 150 किलो कैलोरीज आधे घंटे की जॉगिंग में नॉर्मल पेस पर अगर की जाए तो बर्न हो जाती है। अभी श्योर? हाँ जी सर। करते हैं आप जॉगिंग? जी सर। कितनी स्पीड से करते हैं आप? सर मैं लगभग 5-7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जॉगिंग करता हूँ। और उसमें आप 150 बर्न करते हैं? उसे टाइम पर डिपेंड करता है कितना समय जॉगिंग की। एक कंसेप्ट होता है BMR का और एक होता है BMI का। जी सर। सुना है आपने? जी सर। BMI बॉडी मास इंडेक्स है जिसमें शरीर की लंबाई और शरीर के वजन को ध्यान में रखकर एक श्रेणियां निर्धारित की गई है कि अगर 18.5 से कम है तो अंडर न्यूट्रिशन कहेंगे, अगर 24.9 तक है तो उसे नॉर्मल न्यूट्रिशन कहेंगे, उसके बाद 24.9 से 29.9 तक हम इसे प्री ओबेस कहेंगे और उससे ऊपर ओबेस कहा जाएगा। और बेसिक BMR बेसिक मेटाबॉलिक रेट है, इसमें व्यक्ति का शरीर कितने समय में कितनी ऊर्जा कंज्यूम करता है उसके आधार पर ये कहा जाता है। तो कई लोग जिनका बेसिक मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है उन्हें ज़्यादा कैलोरीज की आवश्यकता होती है, जिनका BMR कम है उन्हें कम कैलोरीज की आवश्यकता है, तो ओबेसिटी की प्रॉब्लम उनमें जल्दी। कम ज़्यादा क्यों होता है लोगों में जो BMR होता है? बेसिकली बेसिकली मसल होता है, मसल मेटाबॉलिक रेट होता है, कम ज़्यादा क्यों होता है? सर ये इसके कुछ जेनेटिक कारण भी होते हैं, उसके अलावा हॉर्मोन्स पर भी डिपेंड करता है, जैसे थायरॉयड हॉर्मोन अगर उसका लेवल शरीर में ज़्यादा है तो बेसिक मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा हो जाएगा। अगर कोई बंदा जो है कार्ब्स ज़्यादा खाता है, मान लीजिए कार्ब्स खाता है 70-80%, उसे क्या बीमारी हो सकती है? सर कार्ब्स खाने से बीमारी हो ये आवश्यक नहीं है, पर कार्ब्स कितना डाइजेस्ट हो रहे हैं उस पर ये निर्भर करता है। अगर पहले से ही अगर व्यक्ति में डायबिटिक पोटेंशियल है और वो कार्ब्स ज़्यादा ले रहा है, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड ले रहा है, तो उसके जो ब्लड शुगर का लेवल है वो बढ़ सकता है। और फिर ऐसा भी होता है कि ये कार्ब्स अगर वो ज़्यादा ले रहा है तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये फैट फिर आगे जाके कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस को बढ़ा सकता है। आपने बात की ग्लाइसेमिक इंडेक्स की? जी सर। आपने बात की फैट में कन्वर्जन की? जी सर। तो जो एक मोटापा होता है वो बेसिकली किसकी देन है, फैट की देन है या कार्ब्स के कन्वर्जन इनटू फैट है? आप कैसे देखते हैं इसे एज अ डॉक्टर? सर अंत में जो फैट शरीर की कोशिकाओं में जमा हो जाता है, फैट सेल्स में एडिपोज टिश्यू जिसे हम कहते हैं, तो उसका स्रोत कुछ भी हो सकता है, डायरेक्ट हम फैट इनटेक है वो भी कन्वर्ट हो जाएगा, वो भी जमा हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम कार्बोहाइड्रेट अगर अधिक मात्रा में ले रहे हैं वो भी कन्वर्ट हो जाता है, और अगर हम प्रोटीन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो प्रोटीन भी फैट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वास्तव में ये एक बॉडी की एनर्जी स्टोरेज मैकेनिज्म होती है कि जब भी उसके पास अतिरिक्त एनर्जी होती है वो अपने आप में स्टोर कर लेता है, और स्टोरेज का माध्यम फैट है। प्रोटीन कितने अमीनो एसिड से मिलकर बनता है? सर 10 एसेंशियल अमीनो एसिड कहे जाते हैं, वो हैं 9 होते हैं या 10 होते हैं? नहीं मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, पहले शायद 9 था, आगे 11 नॉन एसेंशियल होते हैं। जी सर। टोटल 20 होते हैं। तो जो डायबिटीज की जो समस्या होती है, बेसिकली आप देखेंगे कि आजकल हमारी सोसाइटी में आप जैसा बता रहे हैं कि ओवर न्यूट्रिशन की वजह से एक बहुत बेसिक सी बीमारी है, जो सामान्य सी बीमारी है, डायबिटीज बढ़ रही है, उसके लिए क्या मतलब क्या उपचार अगर आपको करना हो क्या उपचार आप सजेस्ट करेंगे, मतलब ना हो प्रिकॉशन के तौर पे क्या सलाह देना चाहेंगे आप एज अ डॉक्टर? सर प्रिकॉशंस के रूप में सबसे पहले तो हमें लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट, इसका सबसे बड़ा मेजर है कि अगर व्यक्ति हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करे, सुबह अगर उसके लाइफ स्टाइल में एक्सरसाइजेज शामिल हो,
उसका न्यूट्रिशन बैलेंस्ड हो और खान तो बिल्कुल डायबिटीज की समस्या से बच सकते हैं। फिर उसके अलावा योगा जो पद्धति है, तो योग अगर वो फॉलो करेगा तो उसमें भी काफी आसन होते हैं जो डायबिटीज। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपको एक सिचुएशन देता हूँ, मानिए कि आप जो है एज अ करेक्टर सेलेक्ट हो गए हैं और करेक्टर बन गए हैं और आप जो है अपने ज़िले में सुधार के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन जो वहाँ के लोकल पॉलिटिशियन हैं वो नहीं चाहते हैं कि वह काम करें क्योंकि उससे उनका जो वोट बैंक है वो खिसक सकता है और उससे क्या हो रहा है कि जो आपके कमिश्नर साहब जो आपके ऊपर हैं, जिनसे आपको निर्देश मिल रहा है या जिनसे आपको सपोर्ट की उम्मीद है कि आप कुछ करेंगे तो उनका सपोर्ट मिलेगा, लेकिन उनका सपोर्ट आपको लग रहा है कि जो सिचुएशन बनी है उससे उनका सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो उनका झुकाव जो है उन पॉलिटिशियन की तरफ है, उसके बाद उस स्थिति में आप क्या करेंगे? मतलब आप अपने उस काम को करना चाहेंगे या उसको आप वहीं छोड़ देंगे और जैसे स्थिति है उससे समझौता कर लेंगे? सर, अगर कोई ऐसा महत्वपूर्ण काम है जो समाज के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है और मुझे लग रहा है, तो मैं अपनी रिपोर्ट जो भी होगी वो लिखित में बनाकर अपने सीनियर को प्रेषित करूँगा और उनसे जवाब मांगूंगा। अगर उनका सकारात्मक रिप्लाई आता है तो ठीक है, और अगर नकारात्मक रिप्लाई आता है तो मैं एक बार और उनसे ऊपर जो लेवल पर वो सेम रिपोर्ट भेजूंगा। फिर मैं वो रिप्लाई ओरल देते हैं आपको, मानो फोन करके बोल देते हैं कि नहीं मैं ये काम नहीं करना है, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? राइटिंग में कुछ है नहीं आपके पास? सर, मैंने जब उनसे लिखित में अपनी योजना बनाकर भेजा है तो उस फाइल पर उनकी नोटिंग बिल्कुल मैं रिटर्न में एक्सपेक्ट करूंगा। अगर वही मैं कहना चाह रहा हूँ, आपने तो ऊपर भेज दी, अब उनकी इच्छा है ना उस पर लिख के आपको भेजें ना भेजें, आपको सिर्फ इन्फॉर्म कर दे ओवर द फोन, उस कंडीशन में आप कैसे क्या करेंगे? आपको बोल दिया मैं नहीं करना है। सर, मैं उनसे डिमांड करूंगा कि आप लिखित में प्रेषित करें मुझे जो भी आपका रिप्लाई है। मिस्टर मयंक, प्लीज जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट दैट डॉक्टर्स आर बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर। सर, डॉक्टर बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर, कैन यू गिव दिस आंसर इन इंग्लिश? श्योर सर। मैं कुछ क्षणों का समय चाहूंगा। Doctors are one of the best administrators. Doctors can be one of the best administrators because the training they are getting and the way they deal with the public, they have a lot of administrative experience even in medical also. They get direct contact with public. They know the real situation in slums and in public health aspect, they know from where the problem is arising related to health and other aspects also. Like for an example, in my hospital, if a person from poor background arrive, then we know that the real problem of the situation of this person is because of the bad conditions in their housing or slums. So we can directly address that problem when we are on the position of an administrator. Apart from that, the real job of the doctor during in emergencies or during serious cases, they have to maintain a calm while dealing with the problems. At that this form, type of trips can be met by any person who is from any sector or any service. Even a shopkeeper can say that I deal with a lot of persons in the society, rather different persons from different strata of the society, and I am procuring the goods, I am delivering, so I know the farmers, I know the consumers. They can something unique with medical science. So, as a matter of other sectors, they are also equally good in administration and can be equally good. But doctor by training get those things, and their approach towards the patient is problem solving. First they see the problem, then they analyze the problem, then they investigate about that problem, and then they go for treatment. So persons from any background can be a good administrator. Basically from Rajasthan and got your medical degree from Gujarat. Yes. You opted Rajasthan as your first choice in Kerala location, but Gujarat is nowhere in your top 5 priorities. Why is so? Though you are part of that Gujarat Vibrant Summit, you are part of that committee, na? Who organized? Yes. The vibrant Gujarat. Why vibrant Gujarat is your choice? No, sir, that is actually a function of our college. That was not the vibrant. That is just mentioning about this fact. Why Gujarat is not your choice?
Sir, actually, I preferred the Uttar Pradesh in that segment. Why? We just want to know. Because you know Gujarat. You spend your 7 years' time there. Yes, you got your degree. Yes, sir. If you are part of a committee, then you know the Gujarat. Then why you opted for UP and MP in comparison to Gujarat? Sir, when we see the status of both the state, Gujarat is up to a certain level of development. It is more developed in comparison with Uttar Pradesh. So the population of Uttar Pradesh is more vulnerable and they need more basic services. So I want to serve in that area preferably. That's why I opted for that preference. Otherwise, if I will get Gujarat, I will definitely do my best in serving the people of Gujarat. But in northeastern states, this is the only criteria. In northeastern segment, you choose a state which is already developed. Not the backward state, that is Meghalaya, Mizoram or Manipur. Why? At that place, your choice is totally different. Sir, in my choices, there were certain factors in deciding the preference. It was... One of the factors is the level of development. Yes, sir. So, if this is the principle, then you have to apply this principle in another segment also. Other zone also. But you not implemented this principle in your northeastern zone. Yet. It's okay. Tell me the contributions of Pandit Govind Vallabh Pant in Indian freedom struggle, any field which you want to say. Sri Pandit Govind Vallabh Pant was the freedom fighter and a social activist also. He was the first chief minister of Uttar Pradesh. And in Uttarakhand, present Uttarakhand area, there was a problem like Kuli Begar Pratha. So he work on that area and rectified those problems. Anything other than this? As a political leader, he did a lot in the development of Uttar Pradesh and the nation. But you're saying that UP is a part of the backward state, so you are preferring it? Sir, according to the present statistics, if we see the population load, the developmental indicators like IMR, MMR, and other indicators, UP is, unfortunately, UP is below than other developments. What are the contributions of Sayaji Rao Gaikwad? So Sayaji Rao Gaikwad III was the most longest serving ruler of Baroda. So he worked in various fields of public benefit. Like he started primary education, compulsory primary education in Baroda. He established Maharaja Sayaji Rao University of Baroda. He provided funds for that. And in Panchayati Raj system, he adopted the Panchayati Raj system for the state of Baroda. Apart from that, in overall educational development, he financed the education of Dr. B.R. Ambedkar. In these ways, his contribution is significant. So, जो आयुष्मान योजना है भारत सरकार की अभी तक माना जा रहा है कि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस है तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आयुष्मान योजना के लिए चैलेंजेस क्या क्या हैं अभी सर आयुष्मान भारत के जो दो भाग हैं एक तो जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इंश्योरेंस बेस्ड है सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर हेल्थ केयर को प्रोवाइड करने के लिए है और दूसरा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स प्रोवाइड करने के लिए तो दोनों के एक थोड़े अलग अलग चैलेंजेस हम देखने को मिलते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में सबसे पहले है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को एक काफ़ी शेयर दिया गया है वो कैसे वो किन लोगों को किस प्रकार से उपयुक्त सेवाएं प्रदान कर पा रहे हैं या नहीं फिर कुछ फ्रॉड का इशू उनके अंदर आ रहा है या नहीं ये दो मेजर चैलेंज वहाँ पे आते हैं उसके अलावा लोगों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में अवगत कराना एक बड़ा चैलेंज है और हेल्थ एंड फैमिली हेल्थ एंड वेलफेयर सेंटर्स जो सब सेंटर्स को हमें विकसित करना है उनमें फंडिंग एक बड़ा इशू है क्योंकि 1.5 लाख सब सेंटर्स जो है उन्हें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में बनाना है वहाँ पर प्रॉपर मैन पावर हो वहाँ पर प्रॉपर दवाइयाँ हो और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की स्क्रीनिंग की सुविधा उपलब्ध हो तो इन सबको इम्प्लीमेंट करना एक बड़ा चैलेंज है ब्लैक मार्केटिंग को कैसे कंट्रोल करेंगे सर ब्लैक मार्केटिंग ओवरऑल ब्लैक इन द मेडिकल सेक्टर सर अभी वर्तमान में पैकेज रेट्स आयुष्मान भारत में डिसाइड की गई हैं तो वो एक तरह से सीलिंग लगा देता है कि आप प्रोसेसर जो कर रहे हैं उससे ज़्यादा खर्च नहीं हो पा रहा है वो सीलिंग जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने डिसाइड की
उसके अलावा एक आईटी सिस्टम आयुष्मान भारत में डेवलप किया गया है जो मैनेज करता है एक टेक्निकल टूल्स का इस्तेमाल करके कि कहाँ पर कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है और वो एनालिस्ट उनका जो रिवार्ड है वो आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पर है। मैं सरकार आज़ादी के बाद से लगातार मेडिकल क्षेत्र में काम कर रही है और आज भी हमको पता है दो तरह के मेडिसिन है, जेनरिक है, दूसरा क्या है, ब्रांडेड मेडिसिन। हाँ। तो आज भी हमको पता है जेनरिक सस्ते रेटों पर मिलता है लेकिन आज भी जेनरिक की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहता है। हाँ सर, जेनरिक की गुणवत्ता पर बिल्कुल प्रश्न चिन्ह लगता है और वर्तमान में जो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना है जिसके माध्यम से हम जेनरिक मेडिसिन दे रहे हैं लोगों को, उसमें क्राइटेरिया है कि जो भी कंपनी जेनरिक मेडिसिन बना रही है वो WHO की गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस सर्टिफाइड होना जरूरी है। इसके अलावा इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स के थ्रू भी उन प्रैक्टिस फैसिलिटीज को देखा जाता है। तो वर्तमान में जो क्वालिटी है जेनरिक मेडिसिन की वो सिग्निफिकेंट रूप से इम्प्रूव हुई है। जी सर, तो सरकार को जेनरिक अगर मुझे पूरे भारत में स्थापित करना है तो क्या तीन उपाय आपकी तरफ से सजेस्ट करेंगे आपकी होना चाहिए कि हम जाते ही दुकान पर मेरा पहला वर्ड रहे कि मुझे जेनरिक चाहिए और कोई मेडिसिन? सर, वर्तमान में जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर सिर्फ जेनरिक मेडिसिन लिखी और बेची जाती हैं सरकारी स्वास्थ्य केंद्र और जन औषधि योजना पर। पर प्राइवेट सेक्टर की हम बात करें तो दवाई कंपनियों को अपना अधिकार है कि वो अपने बिजनेस पर अपने स्तर पर ब्रांड नेम डिसाइड कर सकती है। तो हमें और प्राइवेट अस्पताल में भी ये ब्रांडेड दवाइयाँ लिख रहे हैं तो हमें उन प्राइवेट अस्पताल वाले जो डॉक्टर्स हैं वो जेनरिक मेडिसिन लिखें उसके लिए उन्हें एंगेज करना पड़ेगा। तो मेडिकल एथिक्स भी ये कहते हैं कि जेनरिक मेडिसिन लिखी जानी चाहिए तो हमें करिकुलम के माध्यम से नए आ रहे डॉक्टर्स के अंदर ओके थोड़ा सा सोशल सेक्टर पे आते हैं। सोशल सेक्टर पे अगर डॉक्टर आपको एनेस्थीसिया देना हो, ऐसा कोई मेजर पार्ट जो आपको लगे कि हमारे सोशल सर्कमस्टेंसेस को डैमेज कर रहा है तो अगर आप एनेस्थीसिया देना चाहें वो तीन एरिया कौन कौन से होंगे जहाँ पर आप एनेस्थीसिया देना चाहेंगे? उसमें करप्शन की जो समस्या है उसे मैं एनेस्थेटाइज करना चाहूँगा। नंबर टू, बढ़ता हुआ कम्युनलिज्म और कास्टिज्म जो है उसे मैं एनेस्थेटाइज करना चाहूँगा। और तीसरा, इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, उन्हें मैं एनेस्थेटाइज। ओके, डू यू नो अबाउट द विलियम मॉर्टन? माफी चाहूँगा सर, इस बारे में मुझे जानकारी। ओके, एंटी पायरेटिक्स क्या होता है? एंटी पायरेटिक्स वो दवाइयाँ होती हैं जो बुखार पर काम करती हैं। हाइपोथैलेमस एक थर्मोस्टेट सेट पॉइंट डिसाइड करता है, उस पर काम करके शरीर के टेम्परेचर को कम करता है। क्या एस्पिरिन को एंटी पायरेटिक्स कह सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल। ये मयंक, मेडिकल टूरिज्म और हेल्थ टूरिज्म बीच में बहुत सारे शब्द आए थे और भारत इसका एक बड़ा अच्छा हब हो रहा था। तुम्हें तो पता है कि क्या रेवेन्यू स्ट्रक्चर, क्या हमें इससे फायदा हो रहा है मेडिकल टूरिज्म में, हेल्थ टूरिज्म से लगभग कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है? रेवेन्यू के बारे में निश्चित आंकड़े तो मेरे पास नहीं है पर जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट अगर हम मेडिकल टूरिज्म की देखें वो 25-30% लास्ट दो वर्षों में रही है। अच्छा, ऐसा क्यों? एक तरह हम बोलते हैं कि मेडिकल टूरिज्म का बहुत बड़ा हब है इंडिया, लेकिन हम देखते हैं कि जब भी हमारे किसी, जैसे अरुण जेटली साहब वित्त मंत्री को कुछ हुआ, परिकर साहब को हुआ, सोनिया गांधी जी को हुआ, या जो भी प्रेस्टीजियस आदमी है वो सब तो विदेश चला जाता है, लेकिन हम वहाँ पढ़ते हैं कि भाई मेडिकल टूरिज्म के लिए बेस्ट लैंड इंडिया है, इंटरनेशनल मार्केट में ऐसा एक बात और हमारे पास बताई जाती है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है क्या? सर, ये प्रथम दृष्टया अगर हम देखें तो ये कॉन्ट्राडिक्शन लगता है पर हम अगर थोड़ा तह में जाएँ तो कुछ सुविधाएँ अभी भी हैं जो भारत में उस स्तर की उपलब्ध नहीं है। तो अगर हम हमारे मंत्री, माननीय मंत्रियों की बात करें या जो भी सरकार से जुड़े बड़े पदाधिकारियों की बात करें तो वो पहले जो प्राथमिक ट्रीटमेंट है वो यहीं लेते हैं, एम्स, PGI ऐसे बड़े सेंटर्स दिन रात उस कार्य में लगे हुए हैं। पर अगर कंडीशन एक लेवल से ऊपर चली जाती है तो अगर उस मामले में विदेशों से सलाह ली जा रही है या वहाँ जाकर ट्रीटमेंट कराया जा रहा है तो ये गलत नहीं मानता। अच्छा, अभी एक तरफ हम देखते हैं तो पढ़ते हैं कि इंटरनेशनल रिपोर्ट में भारत तीसरा विश्व का देश है जहाँ स्टार्टअप सबसे ज़्यादा शुरू किए गए। आपने रिपोर्ट शायद सर्वे देखा होगा, सुना होगा। GDP हमारी तेज़ी से बढ़ रही है, हम चाइना को परास्त कर रहे हैं, हम 10 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करने जा रहे हैं,
लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं कि भाई एक सर्वे आता है जिसमें बताया जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक तरफ ग्रोथ और इसका आंकड़ा ये है, दूसरी तरफ हालात अनएम्प्लॉयमेंट के बड़े बुरे होते जा रहे हैं और कई लोग इसे जॉबलेस ग्रोथ से भी जोड़ते हैं भारत परिस्थितियों में। तुम्हें लगता है कि भारत की परिस्थितियों में ये जो पिक्चर है, ये जो दृश्य है, ये सही है? सर जहाँ तक वर्तमान अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट जो NSSO की रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं उसके डेटा अभी तक वेरीफाइड नहीं है तो उसके बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। और नीति आयोग ने कहा है कि भारत की मुख्य समस्या अनएम्प्लॉयमेंट ना होकर अंडर एम्प्लॉयमेंट है। तो हमारे हम एक तरफ हायर एजुकेशन में एक बड़ा यूथ हमारा जा रहा है वो बाहर अपनी एस्पिरेशंस के साथ निकलता है तो अप्रोप्रिएट जॉब वो प्राप्त नहीं कर पाता, इस कारण से वो जब तक उसे जॉब नहीं मिल जाती उसके एस्पिरेशन के हिसाब से वो इंतज़ार करता है तो अनएम्प्लॉयमेंट इस सेंस में बढ़ रहा है। दूसरी समस्या एग्रीकल्चर में आती है जहाँ पर हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या फेस कर रहे हैं जहाँ पर एक तरफ 50% लोग सिर्फ 17% GDP का उत्पादन कर रहे हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर ने इस पर भाषण देते हुए सभा में कहा कि ऑटो करीबन 2 करोड़ के आसपास ऑटो खरीदे गए तो इसका मतलब भी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, हम एम्प्लॉयमेंट को केवल उसी फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट में ही क्यों देखते हैं, इन उनके स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? सर बिल्कुल नए नए क्षेत्र हैं, गिग इकोनॉमी जैसी चीज़ें हैं जहाँ पर एक शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है पर फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट पर सरकार का भी ध्यान इसीलिए रहता है क्योंकि फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट अपने साथ एक सोशल सिक्योरिटी लेके आता है और वो सोशल सिक्योरिटी इनइक्वालिटी कम करने में और ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी। अच्छा पिछले जो हमारे RBI के गवर्नर थे रघुराम राजन साहब उन्होंने डोसा इकोनॉमी की बात की थी, डू यू नो व्हाट इज डोसा इकोनॉमी? नहीं सर इस बारे में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।